दोस्तों हम सब जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में जो कंपनी आज इंडियन मार्केट को रूल कर रही है वो है रिलायंस जियो। पर जियो लॉन्च के पहले अगर मैं 2014-15 की बात करूं तो उस समय जो नेम टॉप पर थे वो थे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल एंड एयरसेल। और ये हैरानी की बात है कि इन सब में एयरसेल ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो ना तो गवर्नमेंट के अंडर थी और ना ही कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप इसे ओन करता था। ये कंपनी एक ही आदमी ने बिल्ड की और फिर उसी आदमी ने डुबाई भी। अब सवाल ये उठता है कि वो आदमी था कौन और कैसे उस अकेले इंसान ने एयरटेल, आइडिया और टाटा डोकोमो जैसी बड़ी कंपनीज को टक्कर दी, और क्या कारण रहा होगा जो इतनी बड़ी कंपनी एकदम से खत्म भी हो गई। क्या इसके लिए सिर्फ जियो जिम्मेदार था, क्या कंपनी के पास सफिशिएंट पैसे नहीं थे, या फिर कारण कुछ और ही था। एयरसेल की शुरुआत 1999 में शिवा शंकरन जी ने की थी। ये तमिलनाडु के कोविलर विलेज से आते हैं। इनका बचपन से ही आईटी, रिटेल और रियल एस्टेट जैसी चीजों में इंटरेस्ट था। अब 1990s की बात करें तो ये वो टाइम था जब इंडियन टेलीकॉम मार्केट में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था, क्योंकि उस टाइम एक तो सेलफोन्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही थी और दूसरा ये कि नई ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अब गवर्नमेंट को प्राइवेट कंपनीज को भी टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ करना पड़ा था। और शिवा शंकरन जी ने इस चीज का पूरा फायदा उठाया। उन्हें पता था कि अगर सेलफोन्स इतने ज्यादा बिक रहे हैं तो इसका मतलब सिम कार्ड्स भी उतने ही बिकेंगे, और ऐसे वो एयरसेल के साथ टेलीकॉम सेक्टर में एंटर हुए। शुरुआत इन्होंने तमिलनाडु से की। वहाँ सबसे पहले इन्होंने फाइबर ऑप्टिक केबल्स और बेस स्टेशंस सेटअप किए ताकि एक रिलायबल टेलीकॉम नेटवर्क बिल्ड हो सके। और शुरू में एयरसेल का फोकस भी इसी चीज पर था कि एक तगड़ा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बना के सब्सक्राइबर बेस को एक्सपेंड किया जाए, और इसका इन्हें फायदा भी मिला। एयरसेल के रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कस्टमर्स को सीमलेस कनेक्टिविटी और हाई क्वालिटी सर्विस मिलने लगी, और ऐसे इन्होंने धीरे धीरे करके 5 साल में पूरे तमिलनाडु को कैप्चर कर लिया। अब इन्हें एक रीजन में सक्सेस मिल चुकी थी तो इन्होंने बाकी स्टेट्स को भी कवर करने का सोचा, क्योंकि अब बारी थी रीजनल से नेशनल प्लेयर बनने की। तो बिना ज्यादा सोचे समझे ये असम, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, बिहार और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट्स में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने लगे। उस टाइम एयरसेल अपनी यूनिक सर्विस के लिए जाना जाता था। ये लोकलाइज्ड कंटेंट ऑफर करते थे, रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट देते थे और कई वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। तभी तो ये जिस भी मार्केट में एंटर होते वहीं अपना तगड़ा कस्टमर बेस बना लेते। और सिर्फ इतना ही मत समझना, इन सब के अलावा भी कुछ रीजंस हैं जिनके वजह से एयरसेल इतना बड़ा प्लेयर बन पाया था। जैसे जैसे इंडियन टेलीकॉम मार्केट इवॉल्व हुआ वैसे वैसे एयरसेल ने भी न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया। तो बात है 2003 के आसपास की, जब इंडिया में सिर्फ 2G इंटरनेट ही अवेलेबल था। इसीलिए एयरसेल ने टाइम से पहले ही GPRS और एज को अडॉप्ट कर लिया था। अब आप ये सोचोगे कि इन दोनों का काम क्या है, तो देखो अगर आपने 2G इंटरनेट यूज किया है तो आपको पता होगा कि पहले टावर सिग्नल के साथ G या E लिखा होता था। G मतलब GPRS और E मतलब एज। इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखो फोन में वायरलेसली इंटरनेट चलाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे कि GPRS, एज, HSDPA, HSPA प्लस और LTE। GPRS और एज का मैंने बता दिया कि ये 2G इंटरनेट को सपोर्ट करते हैं। इसमें हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड 384 kbps तक जाती है, और इस टेक्नोलॉजी में आप वॉइस कॉल के साथ इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। इसीलिए आपको शायद याद होगा कि पहले के टाइम में हमें इंटरनेट यूज करने के लिए कॉल को कट करना पड़ता था। इसके बाद आते हैं HSDPA और HSPA प्लस। ये दोनों 3G नेटवर्क में यूज होते हैं। HSDPA का आइकन आपको मोबाइल फोन में सिंपली H शो होता है। इसमें अप टू 14 Mbps की स्पीड मिलती है। फिर जो HSPA प्लस होता है उसकी स्पीड 168 Mbps तक जाती है, और इसका आइकन H प्लस शो होता है। इसके बाद आता है LTE यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये 4G नेटवर्क्स में यूज होता है और इसकी स्पीड 300 Mbps तक जाती है। अब एयरसेल की बात करें तो इन्होंने इन सभी टेक्नोलॉजीज को बहुत जल्दी से अपने हाथ में कर लिया था। एयरसेल की दुनिया में बहुत कुछ मुमकिन है। It's time to move on. और ऐसे ये थोड़े ही टाइम में वो पहली कंपनी भी बन गई थी जिसके पास 2G, 3G और 4G ये तीनों सर्विसेज एक ही टाइम पर अवेलेबल थी। और ऐसे इन्होंने मोबाइल इंटरनेट यूजर्स का एक्सपीरियंस एनहेंस किया था। अब एयरसेल की सक्सेस को देखते हुए मलेशिया की एक कंपनी मैक्सिस कम्युनिकेशन ने इनके 74% शेयर्स खरीद लिए। इस पार्टनरशिप की वजह से एयरसेल को फाइनेंशियल रिसोर्सेज और टेक्निकल एक्सपर्टीज दोनों मिले। साथ ही इस कोलैबोरेशन के बाद एयरसेल ने कुछ अफोर्डेबल डेटा प्लान्स और न्यू इंटरनेट सर्विसेज भी लॉन्च की, जिससे वो कम टाइम में एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंच पाए। अब इतनी सक्सेस देख के ये मत समझ लेना कि इनका सफर बहुत इजी रहा होगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था।
सबसे पहला चैलेंज है स्पेक्ट्रम स्केयरसिटी एंड कॉस्टली ऑक्शंस। पहले ये समझते हैं कि ये स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो देखो, स्पेक्ट्रम उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जिससे हम एयर के थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, यानी कंपनी के टावर से जो इंटरनेट वायरलेसली हमारे मोबाइल फोन तक पहुंच पाता है उसकी जिम्मेदारी स्पेक्ट्रम की होती है। और ये स्पेक्ट्रम का मिलना इतना इजी नहीं होता क्योंकि हर मोबाइल कंपनी इसके लिए लाइन में लगी होती है, और वैसे भी इंडिया में कमर्शियल स्पेक्ट्रम पहले ही बहुत कम है। ऐसे में कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा बोली लगा के स्पेक्ट्रम को बाय करना पड़ता है, और एयरसेल ने भी ऐसा ही किया। साल 2010 में एयरसेल ने 65 बिलियन रुपीस स्पेंड किए आंध्र प्रदेश, आसाम, पंजाब और उड़ीसा जैसे 13 स्टेट्स के स्पेक्ट्रम के लिए। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कंपटीशन एंड प्राइसिंग। देखो, एक बात तो हमें पता है कि इंडिया में हर सेक्टर में कंपटीशन है, तो जाहिर सी बात है कि टेलीकॉम सेक्टर में भी हाल ऐसा ही है, और सभी बड़े प्लेयर्स इस मार्केट के शेयर के लिए कम्पीट कर रहे हैं। अब कंपनीज को ये अच्छी तरह पता है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और अगर मार्केट का शेयर चाहिए तो कम्पीट सिर्फ प्राइस पर ही कर सकते हैं। इसीलिए एयरटेल, आइडिया, डोकोमो और रिलायंस जैसी कंपनीज अपनी प्राइस स्ट्रेटेजीज को चेंज करती रहती थी, जिसके कारण एयरसेल को भी मार्केट में बने रहने के लिए ऐसा ही करना पड़ता था। इसके बाद अगला चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है रिलायबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और उसे मेंटेन करना, क्योंकि कस्टमर्स और बिजनेस की डिमांड टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। इसीलिए उन डिमांड्स को मीट करने के लिए कंपनीज को कॉन्टिन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स को स्केल और इम्प्रूव करना पड़ता है। फिर जितने ज्यादा यूजर्स होते हैं उतना ज्यादा डेटा सिक्योरिटी के लिए भी पे करना पड़ता है, और अर्बन एरियाज में ये करना इजी है क्योंकि यहाँ कस्टमर बेस भी बहुत बड़ा होता है और रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज भी मिल जाती है। बट रूरल एरियाज में ये काफी चैलेंजिंग रहता है। जहाँ अर्बन एरियाज में इतनी फास्ट इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है, वहीं कुछ रूरल एरियाज में तो इंटरनेट ठीक से पहुंच भी नहीं पाया। और इसका कारण है, रिमोट एरियाज में तगड़े नेटवर्क्स इसलिए नहीं बिल्ड हो पाते क्योंकि यहाँ बिल्डिंग और मेंटेनिंग दोनों में ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है, और कंपनीज को ये करना भी पड़ता है क्योंकि अर्बन एरियाज में तो लोगों के पास और भी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी दूसरे ऑपरेटर्स की तरफ स्विच हो जाते हैं। पर रूरल एरियाज में तो ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं होते, इसीलिए यहाँ लोग एक कंपनी के साथ सालों साल टिके रहते हैं। तभी तो हर टेलीकॉम कंपनी के लिए ये बहुत क्रूशियल हो जाता है कि वो रूरल और अर्बन दोनों ही एरियाज में अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे। तो ये वो मेजर चैलेंजेस है जो एयरसेल ने फेस किए। अब चैलेंजेस तो फिर भी ठीक थे, मुश्किल तो तब हो गई जब चैलेंजेस की जगह प्रॉब्लम्स आने लगी। तो चलो देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से एयरसेल पूरी तरह से खत्म हो गया। बात है 2008 की, जब टेलीकॉम कंपनीज को 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस इशू किए जा रहे थे। उस साल सिर्फ प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को करीब 122 लाइसेंस दिए गए थे। अब यहां तक सब कुछ ठीक था, पर अगले ही साल एक ट्विस्ट आया। साल 2009 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने CBI को ये स्पेक्ट्रम लाइसेंस का मामला इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया, और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लाइसेंस इलीगल तरीके से दिए गए थे। असल में कोई ऑक्शन हुआ ही नहीं था, जो टॉप प्लेयर्स थे सिर्फ उन्हीं को लाइसेंस दिए गए थे, और एयरसेल भी उन्हीं में से एक था। तो ये पूरे घपले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे यानी 122 टेलीकॉम लाइसेंस कैंसिल कर दिए। अब कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, स्पेशली एयरसेल के लिए, क्योंकि लाइसेंस और पैसे दोनों जा चुके थे। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि दोबारा लाइसेंस लेने के लिए कंपनी को भारी डेट लेना पड़ा, और उसी दिन से कंपनी के प्रॉफिट्स निकलना बंद हो गए। एयरसेल को ये समझ आ चुका था कि अब वो बहुत तेजी से नीचे जाने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने हाथ पैर मारने स्टार्ट किए। एयरसेल अब किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती थी। उस टाइम इनके पास 89 मिलियन सब्सक्राइबर्स और करीब 40,000 टावर्स थे, पर कंपनी की सिचुएशन इतनी खराब थी कि कोई मर्ज होने को रेडी ही नहीं था। पर बहुत कोशिश करने के बाद रिलायंस एयरसेल के साथ मर्ज होने को रेडी हो गया। जी हाँ, रिलायंस कम्युनिकेशन उस टाइम अनिल अंबानी के पास था, और जाहिर सी बात है कि लॉस में था। तो रिलायंस ने सोचा कि इनके साथ मर्ज होके हमें टावर्स भी मिल जाएंगे और मिलकर शायद हम प्रॉफिट्स भी निकाल लें। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया, और मर्जर के बाद भी लॉस बढ़ता चला गया, जिसके कारण अगले ही साल 2017 में रिलायंस ने एयरसेल के साथ एग्रीमेंट खत्म कर दिया। और फिर उसी टाइम टेलीकॉम मार्केट में मोटा भाई का जियो आया। अभी तक मार्केट सिर्फ कॉम्पिटिटिव था, पर जियो के आते ही सबको पता लग गया कि कॉम्पिटिशन अब हो ही नहीं सकता। जियो इतनी डिसरप्टिव प्राइसिंग के साथ मार्केट में आया कि बाकी कंपनीज के लिए उस प्राइस पर सर्विस प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल हो गया।
जिस टाइम 3G इंटरनेट का 1GB 200 रुपए में मिल रहा था, उस टाइम इन्होंने 200 रुपए में 4G इंटरनेट अनलिमिटेड कर दिया। और अब ये एक ऐसा टाइम था जब एयरसेल के लिए वापस मार्केट में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। साथ ही बैड सर्विस और लॉसेस के कारण इनके यूजर्स को भी नेटवर्क क्वालिटी और कवरेज इश्यूज भी आने लगे, जिससे कस्टमर्स को रिटेन और अट्रैक्ट करना और मुश्किल हो गया। इसके अलावा पुअर सर्विस की वजह से एयरसेल अब डेली अपने कस्टमर्स लूज कर रहा था। इसके बाद एयरसेल के अपनी पेरेंट कंपनी मैक्सिस के साथ भी कुछ लीगल इश्यूज देखने को मिले। सिचुएशन इतनी बुरी होने के बाद भी एयरसेल को एक रशियन कंपनी से $8 बिलियन का ऑफर आया, पर चाहते हुए भी शिवा शंकरन अपनी कंपनी उन्हें सेल नहीं कर पाए, क्योंकि शिवा शंकरन जी को टेलीकॉम मिनिस्टर द्वारा फोर्स किया गया था कि वो अपनी कंपनी सिर्फ मैक्सिस को ही सेल कर सकते हैं, और वो भी उनके डिसाइडेड प्राइसेस पर। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, मैक्सिस ने एयरसेल के मेजॉरिटी स्टेक्स एक्वायर कर लिए और बिजनेस के आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए, जिसके चलते मजबूरन 2018 में एयरसेल ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। इसके बाद एयरसेल के जितने भी एसेट्स थे उन सब को कैप्चर किया गया ताकि क्रेडिटर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए कोई रेजोल्यूशन निकल सके, और ऐसे इंडिया में एयरसेल का सफर खत्म हो गया। खैर, सफर तो खत्म हो गया, पर एयरसेल टेलीकॉम सेक्टर में एक ऐसा रोड मैप छोड़ गया जिसे आज बहुत से नए ऑपरेटर्स फॉलो करते हैं। और उस रोड मैप में ज्यादा कुछ नहीं, बस दो ही चीजें थी। पहली ये कि शुरुआत एक रीजन से करो, फिर जब उस रीजन में आप नंबर वन पर आ जाओ तो उसके बाद नेशनल लेवल पर जाओ। और दूसरी ये कि तुम्हारा सारा बिजनेस कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, कस्टमर की क्या जरूरत है बस वो देखो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।